टाइम आ गया है किस चीज का? बाल कटाई का। तो ये हूँ मैं, ये है मेरे पति देव और यहाँ पे इनके बालों की कटाई होने वाली है। मैं काटने वाली हूँ इनके बाल। ये कैंची कितना कितना काटना है जी? से हल्का सा बस पीछे से, आगे से साइड से थो। और ज्यादा कट गया था? कोई बात नहीं, गर्मी है। कोई बात नहीं ना, गर्मी का मौसम है। देखिए मैं कैसे काटती हूँ, कभी कभी बच्चों का भी बाल काट देती हूँ। फिलहाल काटते हैं हस्बैंड जी का। और कुछ इधर उधर ऐसा दिखे ना तो बोलना नहीं, मेरी रॉक्सी का सब काम है। संगी कितना इतनी गर्मी लग रही है ना, परेशान है। मतलब आप चाहते हैं आपको गंजा कर दूं? देखो ले तो कहाँ रखा था? टेबल पे। मुझे क्यों नहीं दिखा? आज हम लेंसुक हो गए। लेंसुक देख लीजिए बाल काटने पे मेरा क्या हाल हो गया। मुझे फिर चेंज करना पड़ जाएगा ना, ऐसे चल जाएगा और कटेगा? काटेगा नहीं? अच्छी लग गया पापा, मेरे जैसा हाल हो गया। ला तुम दोनों का भी काट। ना बाबा ना, बाबा झील दिया मेरा, नहीं झिलाना ना। मुझे भी, मुझे भी। लल्ला तुम्हारा काट दो, तुम काट दे दो तुम्हारा आगे से जो तुम लालू यादव बने हुए हो सही कर देते। लालू यादव? लालू यादव नहीं, मुझे ऐसे ही लाना। कहते हैं सीपी तो जड़ में सटा के काट रहा है। आप चुप रहो तो, मुझे काटने का तो बहुत बोल रहे हो। अब मैं काटूंगी जैसा मन करे। देखो इसको ये ऊपर ऊपर नोकीला है ना, उसके आधा आधा काटा जाता है। आप पूरा जड़ में सटा के काटे हो। बाबा मुझको कितना डांटे थे जब मैं ऐसे काट दिया था, छिल लिया था उनके पास। मुंह से ऐसे ही कटता है, जा हमारा जब चालू होगा। ये खड़ा क्यों है? मैं खड़ा कर रहा हूँ तो खड़ा नहीं होगा। अच्छा देखो कितना आगे से बड़ा है, देखो छोटा छोटा है पीछे, आगे से भी छोटा कर दूँ था आपको। आगे से भी छोटा कर दूँ? छोड़ दो आगे से छोटा नहीं करो। अच्छा ठीक है, पीछे खराब होगा तो आगे से ही मेंटेन हो जाएगा। हाँ देख दे दिमाग अब देखे के कंगी करो ना अच्छे से, तब पता चलेगा। तो इतना सुंदर बाल काट दी, अपने से काटेंगे? काटिए। सुंदर नहीं मामा। तो देख लिया ना अपने बाल काटते समय क्या क्या नौटंकी हो रहा था।
वैसे तो मुझे अच्छे से हेयर कटिंग आती नहीं है बॉय कट करने के लिए। एक तो मैं इनके हेयर की कटिंग कर रही थी, ऊपर से मुझे बात सुना रहे थे। मतलब मैंने एक दो चीज़ें जो है कैच की थी, सूट किया था, फिर मैंने एडिट करके हटा दिया ताकि आपको ये ना लगे कि सीमा ऐसे ऐसे भी सुन जाती है बात। लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात को डाल दिया, लेकिन इनकी बात को मैंने काट दिया। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हंसते बोलते मुस्कुराते हुए दिन निकल जाए। हमेशा सॉफ्ट ही मैं बात करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अजब तरीके से बात सुनती हूँ। सो देख लीजिएगा लास्ट में कि किस तरह से हेयर कटिंग हुई है इनकी। और प्रॉपर तो सैलून जैसा तो मैं नहीं ना काट सकती, लेकिन फिर भी ठीक है। ट्रिमिंग मैंने हल्की फुल्की कर दी है। इस टाइम पे कोरोना टाइम पे बाहर जाना भी तो सही नहीं है ना, और वैसे भी सैलून जाना ये पसंद नहीं करते हैं इस टाइम पे, और बच्चे भी नहीं जाते हैं। तो बच्चों का, यशवीर का जो है हस्बैंड ने कटिंग कर दिया था। तेजस बोला मम्मा रहने दो, मेरे बाल ठीक है, मुझे नहीं कटवाना आपसे। छोटा था तो आप काट देते थे, लेकिन अब मैं नहीं कटवाऊँगा, मेरा हेयर स्टाइल सब खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से हेयर कटिंग हो गई है, और लास्ट में आप देख लीजिएगा पूरा लुक, ठीक है, कि हस्बैंड की कटिंग किस तरह से हुआ है। बस इसी तरह से थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ बच रहा है ना वहाँ पर छांट रही हूँ। और तेजस कहता है मम्मी पहले कैंची चलाई जाती है तब ट्रिमिंग करी जाती है, आप तो पहले ही ट्रिमिंग कर दी और उसके बाद कैंची चला रही हो। तो मुझे कौन सा आता है ना, जिस तरह से ये लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उस तरह से मैं काटती चली गई। तो चलिए लास्ट में देख लीजिए लुक कैसा कटा है, और बताइएगा सही है कि गलत है। चिपक गया है, ये निकलेगा कैसे? नहाओगे दंगा निकलेगा। कितनी बार नहाओ? मैं 10 बार नहा लो दिन में अच्छे से। पापा की जगह होता है मम्मी दाढ़ी भी लग लेता। हाँ तुम पापा की जगह होता तो दाढ़ी भी। इसका काट दो ना बाल, यशवीर के मैंने बाल काट दिया ना। पीछे घूमो तो जी, ये रंग भी दिख रहा है। और ऐसे घूमो और ऐसे घूमो ये कुछ इस टाइप से कटा है बाल। बढ़िया कटा ना, बिल्कुल सैलून के जैसे। अच्छे लग रहे हो।